मैं आपकी होशराज बात कर रही हूँ। मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ जुकनी के कबाब, जिसको कुछ लोग बोलते हैं तूरी, कुछ लोग तुरई बोलते हैं। कुछ घरों में जो है वो बच्चे या बड़े जो है वो तूरी शौक से नहीं खाते हैं, तो ये कबाब जो है वो एक बहुत अच्छी आइडिया है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये बहुत अच्छे टेस्टी भी बनते हैं। इसको आप सैंडविच बनाकर भी खा सकते हो, चपाती और ग्रीन चटनी या सावर क्रीम के साथ भी, और सैलेड के साथ और चावल के साथ भी इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। इसमें मैं पर्सनली जो है मुझे चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये कबाब तूरी के। तो उसमें एक जो है वो एक बड़ी साइज़ की, ये देखो मैंने ग्रेट करके रखी है इसके साथ, जैसे ये ना ग्रेटर है इसके साथ ही मैंने ग्रेट करके रखी है एक बड़ी साइज़ की तूरी। और इसमें जाएगा इसमें एक अनियन, ये जो है इसी साइज़ का, उसको मैंने पहले से ग्रेट करके रखा हुआ है। तो ये अनियन जाएगा ग्रेट किया हुआ, और ये कटे हुए धनिया जाएगा तकरीबन एक छोटा बंच जो है वो धनिया का, वो मैंने बारीक कटे हुए काट के रखे हैं। और उसके अंदर जो है वो 3 से 4 जगह जो है वो लहसुन की मैंने बहुत बारीक बारीक काट के रखी हैं। और ये ग्रीन मिर्ची जाएगी इसके अंदर, ग्रीन मिर्ची तकरीबन मैंने 4 बड़ी वाली ग्रीन मिर्ची उसको बिल्कुल बारीक काट के रखी हुई है। और इसमें ये गरम मसाला बहुत कम, ये छोटी सी टी स्पून है, वो हाफ टी स्पून जो है वो गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने थोड़ा पहले इसको जब मैंने इसको किया था ग्रेट किया था, तो मैंने इसको नमक लगा के थोड़ा सा रखा था पहले, पर अभी और भी हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसमें जो है वो जाएगा ब्लैक पेपर जाएगा हाफ टी स्पून, और इसमें जाएगा अंडा। अंडा जो है वो आपकी च्वाइस है, अगर कुछ लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं या वीगन होते हैं तो अंडा नहीं खाते, तो अंडा जो है वो आपकी च्वाइस है कि आप इस्तेमाल करो नहीं करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो आटा भी जाएगा। तो फिर अंडा अगर आप मैं ही डालो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं डालती हूँ एक अंडा। अभी इसको सबको मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा सा आटा डालूंगी, आप इसको चख लीजिएगा कि कैसा नमक कितना है, ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है उस हिसाब से। अब आटा जो है वो अपनी समझ से डालिएगा, आपको ऐसा लगता है कि वो इजीली कबाब बन जाएंगे तो उस हिसाब से। मैं क्योंकि ये कबाब जो है वो हाथ से नहीं बनाती, स्पून से ही डायरेक्ट बनाती हूँ, तो मैं हल्का सा उसको सॉफ्ट रखूँगी, बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा आटा नहीं डालूँगी इसके अंदर। अभी अपना ये बैटर तैयार है। मुझे एक और बात आपसे शेयर करनी थी कि क्योंकि हमारे घर में जो है वो ज़्यादा तेज़ खाया जाता है, मिर्ची में ज़्यादा मिर्ची खाई जाती है, तो मुझे लगता है कि अगर हो सकता है आपको 4 मिर्ची जो है वो ग्रीन मिर्ची जो है वो ज़्यादा लगे, तो आप 2 से 3 डालिएगा अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ी ब्लैक पेपर भी जाती है। तो एक इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो लोग अंडा नहीं पसंद करते या नहीं खाते, तो उसको उसके लिए इसकी थोड़ी देखो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सॉफ्ट है, आप उसको हाथ से नहीं बना सकते हो, तो आप फिर उस हिसाब से मैंने इसमें आधे कप से भी ज़्यादा, पाव कप से थोड़ा ज़्यादा, आधा कप से थोड़ा कम आटा डाला है। तो हो सकता है कि आपको फिर अगर अंडा नहीं डालते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आटा डालना पड़े, 1/4 कप जितना, या आप देख लीजिएगा ताकि फिर आप उसको हाथ से बना सको जैसे दूसरे अपन कबाब बनाते हैं। तो अपना ये ऑयल तैयार है और मैं बिल्कुल इसको डीप फ्राई नहीं करती, शेलो फ्राई करती हूँ। तो मैंने देखो बहुत कम ऑयल डाला है, तो इसके अंदर मैं स्पून से डालूँगी तो हाथ को भी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा राउंड शेप देखिए।
इसको 1 से 2 मिनट लगती है ये हो जाते हैं तैयार। अभी देखो ये हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट एक साइड पे, फिर 1 से 2 मिनट दूसरी साइड पे। ये देखो बहुत अच्छा कलर आया है इसका। देखो डीप फ्राई भी नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है आपके सामने, बिल्कुल शैलो फ्राई बना रही हूँ इसको। लेकिन ये कोशिश कीजिए कि नॉन स्टिक हो कढ़ाई जो है, वो नॉन स्टिक होगी तो चिपकेंगे नहीं, वरना तो फिर चिपक जाएंगे, ठीक है ना। अपने ये कबाब तैयार है, और ये इतना जो मैंने एक तुरी ली थी और 1/2 कप से भी थोड़ा कम आटा और ये अंडा, इसमें से तकरीबन 15 के करीब बने हैं कबाब। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, हम अक्सर इसको बनाते हैं घर पे ग्रीन चटनी के साथ। मैंने आपसे शेयर की थी ग्रीन चटनी की रेसिपी, तो आप प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। तो अपन मिलते हैं दूसरी वीडियो।